नमस्कार, मैं राष्ट्रीय बाल विकास से जेपी सिंह। आज मैं आपके सामने फिर एक बेहतरीन कविता, भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी, यह हमारी कक्षा 6 की किताब में पढ़ाया जाता है उस सभी में, आज मैं उसे लेके आया हूँ। आप सुनो, इतनी बेहतरीन इन्होंने भक्ति काल में, भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, इन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया है भगवान के बालपन का, इतना सुंदर चित्रण किया है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इन्होंने बहुत ही सुंदर और बेहतरीन ब्रज की भाषा में इन्होंने भगवान कृष्ण के अद्भुत स्वरूप का चित्रण किया है। आप इसे सुने और आप देखें और इसके इसके एक एक शब्द में कितना विशाल महत्व तो इसका है। इन्होंने, ये जन्म से अंधे थे, फिर भी इन्होंने इतना बेहतरीन चित्रण किया है जो शायद हर आदमी के बस की बात नहीं है। इन्होंने, ये हमारे दो पदों में है। एक पद में भगवान कृष्ण जब बच्चे थे तो अपनी माँ से, देखो जब बच्चे होते हैं ना तो माँ के साथ हमेशा बातें करते रहते हैं, और कितना सुंदर लगता है माँ को, बच्चे को, दोनों ही बातें करते रहते हैं। तो देखो, एक कंप्लेन कर रहे हैं अपनी माँ से, कह रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी कब ही बढ़ेगी चोटी। कह रहे हैं कि हे माँ, ये मेरी चोटी ये कब बढ़ेगी, ये कब बढ़ेगी। कितनी बार मोह दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मैं दूध पी रहा हूं, मैं जब भी दूध पीता हूं तभी आप कहती हैं कि बेटा ये दूध पी ले, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो कितना सुंदर चित्रण किया है। तू जो कहत बल्कि बैनी जो है वह है लांबी मोटी। जो तुम कहती रहती हो बार बार कि बलराम जी की चोटी इतनी लंबी और मोटी है, तुम ये दूध पी लो, तुम्हारी भी वैसी ही चोटी हो जाएगी। कितना अद्भुत चित्रण था। काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। कितना बढ़िया बात। जब भी बाल बनाती है माँ, तभी वो दोनों माँ बेटे दोनों ही आपस में बात करने लगते हैं कि आप हमेशा कहती हैं कि मेरी चोटी एकदम मोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, नागिन सी लंबी हो जाएगी। आप उसी के चक्कर में मुझे हमेशा कच्चा दूध पिलाती हैं। पहले कितना अच्छा होता था, जैसे ही घर में, अब तो नहीं रहा ये प्रचलन, जैसे ही बाल्टी दूध के आती थी तो एक ग्लास भर के बच्चे को दूध दिया जाता था, ताज़ा ताज़ा गरम गरम, कितना स्वादिष्ट दूध होता था। और देखिए, सूरदास जी जो जन्म से अंधे थे, उन्होंने इस बात का कितना सुंदर चित्रण किया है। सुरचिर जीवों दोनों भैया हरिहलदर की जोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी कब ही बढ़ेगी चोटी। अब दूसरा प्रसंग सुनिए, ये देखिए माँ बेटे का कितना अद्भुत और कितना स्वर्णिम प्रसंग था। अब दूसरे प्रसंग में गोपियां, देखो उनकी माँ से उनकी शिकायत लगा रही हैं, उसका भी चित्रण आप देखो कितना सुंदर तरीके से सूरदास जी ने किया है। तेरे लाल मेरे माखन खायो, कैसी कह रही हैं
कि देखो तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया, जबकि उनके घर में माखन दूध भरा रहता था। दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंडोर आप ही आयो, खोल की वार पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो। अकेले नहीं जाते थे भगवान, जितने यार दोस्त थे सभी मिलके जाते थे, और उन्हें बड़ा आनंद आता था चोरी करने में। चोरी करने के लिए घर में घुसते थे दोपहर में, जब माताएं सोती रहती थी, इधर उधर होती थी, चुपचाप घर में घुस जाया करते थे, और छींके में उस समय माखन टंगा रहता था, तो माखन उतारने के लिए वो इतने छोटे थे कि उसको उतारने के लिए वो ओखली को घसीट के ला के तब चढ़ के उससे माखन उतारा करते थे, खुद भी खाते थे और अपने यार दोस्तों को भी खिलाते थे। उखल चढ़सी को कोलीनो, अनभावी मुंह में ढरकायो। जब उससे निकाल लेते थे, जो दोस्त नहीं खाता था उसके भी मुंह में घुसा देते थे माखन, जबरदस्ती खिलाते थे। कितना सुंदर सुंदर बात थी। देखो अब तो वो माखन खत्म हो गया, वो कुछ रहा ही नहीं। बच्चों के लिए सबसे उपयोगी माखन यदि निकले तो बच्चे को आप जरूर खिलाएं। दिन प्रतिहान होती गौरस की, यह ढोंढा कौन ढंग लायो। हमेशा कहते हैं कि मेरा रोज नुकसान करता है, यह आपके यहाँ कहाँ से आया। लेकिन लोग कितना प्यार देते थे भगवान को कि वो कभी उनके बिना रह नहीं सकती थी। उन्हें देखने के लिए उनके घर में आके उनका जरूर हर समय उनकी शिकायत लगाने चली आती थी। सूर श्याम को हटक न राख्यो, मैं ही पूत अनोखो जायो। कैसे गोपियां कहती हैं, कितना सुंदर पुत्र आपने जन्मा है माँ, ये हमारे को बहुत ही भाता है। वह उधर शिकायत भी कह रही हैं, वह उनके प्रति उनकी लालसा भी हमेशा लगी रहती थी। तो ये दो पद बहुत ही सुंदर हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से गा के बच्चों इसे ज़रूर पढ़ो, और हमारा ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में दो तरीके के अखबार बनाते हैं। आप हमारी वेबसाइट में जाओ, उसे देखो, आपके आपके एज ग्रुप के मतलब के ही आर्टिकल होते हैं। हम उसमें और कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं डालते, और उसके अंदर कई सारी कंपटीशन है। आप उसे भर के भेजें तो हम आपको उसके जो अच्छी एंट्री आएगी उसको हम ज़रूर पुरस्कृत करते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको इसी तरीके से बेहतरीन कविताएं बच्चों की सुनाता रहूँगा। नमस्कार।